आज हम अपने जीवन से तनाव, रोग, दोष एवं अपने शरीर व व्यवहार पर कंट्रोल करने की एक विधि ध्यान अर्थात मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इस मेडिटेशन को नियमित रूप से कर आप कई प्रकार के बदलाव अपने जीवन में ला सकते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व ताकतवर भी हो सकते हैं। आज हम हमारे आत्मविश्वास एवं एकाग्रता को मेडिटेशन के द्वारा कैसे बढ़ा सकते हैं यह बताने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खुली एवं स्वच्छ जगह का चयन कर किसी भी प्रकार के आसन पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। कमर सीधी रखें और दोनों हाथ घुटने पर रख लें। अंगूठा एवं अंगूठे के पास वाली उंगली मिली हुई बाकी तीन उंगलियां एकदम सीधी रख ज्ञान मुद्रा बना ले। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले। पूरा ध्यान शरीर पर लगाने की कोशिश करना है। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल, पूरा शरीर शांत एवं शिथिल, पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। ध्यान एकाग्रचित्त करते हुए विचारों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। ध्यान एकाग्रचित्त करते हुए विचारों से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। मन की आंखों से पूरे शरीर को देखने की कोशिश करेंगे। मन की आंखों से पूरे शरीर को देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर में हो रही आंतरिक हलचल पर लगाना है। पूरा ध्यान शरीर में हो रही आंतरिक हलचल पर। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास के साथ शरीर में बाहरी ठंडक को अंदर प्रवेश करवाना है। लंबी गहरी श्वास के साथ बाहरी शक्तियों को शरीर में प्रवेश करवाना है। लंबी गहरी श्वास के साथ बाहरी
वायु को शरीर में प्रवेश करवाना है। पूरा ध्यान श्वसन क्रिया पर लगाएंगे। लंबे प्रश्वास द्वारा शरीर की गर्माहट को बाहर निकालना है। लंबे प्रश्वास द्वारा शरीर के दोषों को बाहर निकालना है। लंबे प्रश्वास द्वारा शरीर की आंतरिक वायु अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। श्वास लेते समय श्वास नलियों में ठंडक को महसूस करें। श्वास लेते समय श्वास नलियों में ठंडक को महसूस करें एवं श्वास छोड़ते समय श्वास नलियों में गर्माहट को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे प्रश्वास। मन की आंखों से देखने की कोशिश करें कि श्वास हमारे शरीर के एक एक कोने को छू रही है। उस श्वास के हो रहे अद्भुत एहसास को महसूस करें। उस श्वास के हो रहे अद्भुत को महसूस करें। महसूस करें कि लंबी श्वास नासिका छिद्रों द्वारा शरीर के रोम रोम में समा रही है। यह श्वास शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रही है। यह श्वास हमारे शरीर में सारे रोग दूर कर रही है। यह श्वास हमारे शरीर के सारे रोग दूर कर रही है। पूरा ध्यान श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना है। यह श्वास हमारे मस्तिष्क की सारी थकान दूर कर रही है। यह श्वास हमारे शरीर की सारी थकान दूर कर रही है। पूरा ध्यान श्वसन क्रिया पर। अब अपने मन की आंखों को दोनों भौहों के बीच यानी दोनों आईब्रो के बीच आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर हमें
मन ही मन कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रोगों से मुक्त हूँ, मैं रोगों से मुक्त हूँ, मैं रोगों से मुक्त हूँ, मेरा शरीर अत्यंत सुंदर रचित है, मेरा शरीर अत्यंत सुंदर रचित है, मेरा शरीर अत्यंत सुंदर रचित है, मैं हर काम को करने का प्रयत्न कर सकता हूँ, मैं हर काम को करने का प्रयत्न कर सकता हूँ, मैं ऊर्जावान हो चुका हूँ, मैं ऊर्जावान हो चुका हूँ, मैं ऊर्जावान हो चुका हूँ, शरीर में यही सारी बातें एक पॉजिटिव घेरा बना रही है, शरीर में यही सारी बातें एक पॉजिटिव घेरा बना रही है, इन पॉजिटिव वाइब्स को हमें शरीर के एक एक मन के तक पहुंचाना है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, पूरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति महसूस करने की कोशिश करना है, पूरे शरीर में एक अद्भुत शक्ति महसूस करने की कोशिश करना है। अब हम अपने किसी भी इष्ट देवी देवता गुरु को स्मरण कर उनका प्रतिबिंब मात्र बंद आँखों के सामने देखने की कोशिश करेंगे। एक हल्का सा प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लगा है, एक हल्का सा प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लगा है, हमें उनसे इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए
धन्यवाद कहना है। हमें इस स्वस्थ शरीर को देने के लिए उन्हें धन्यवाद कहना है। हे गुरु, हे ईश्वर, मुझे यह सुंदर शरीर देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे रोगों से मुक्त रखने के लिए आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, हे गुरु, मेरे अंदर के सभी दोषों को, मेरे अंदर के सभी रोगों को बाहर निकालने का कष्ट करें। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे धीरे प्रश्वास करें। लंबी गहरी श्वास ले, धीरे धीरे प्रश्वास करें। अब लंबी गहरी श्वास के साथ ओमकार का नाद करेंगे। ओ वाइब्रेशंस को
शरीर में महसूस करने की कोशिश करेंगे। ओंकार की वाइब्रेशंस को शरीर में महसूस करने की कोशिश करेंगे। ओंकार की वाइब्रेशंस को शरीर के एक एक मनके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओंकार के वाइब्रेशंस को शरीर के एक एक मनके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब हम ध्यान को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे अपने हाथों को आपस में रगड़े कटोरी नुमा बनाते हुए आंखों पर रखे एवं नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगा एट होम और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।